जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कौन से ऐसे देव हैं जो आपको साक्षात दर्शन देते हैं। जी हाँ, होते हैं कुछ देवता ऐसे हैं जो आपको साक्षात दिखाई देते हैं, जैसे चंद्रमा, सूरज, अग्नि, ये सभी देव आपको दिखाई देते हैं। ये कल्पना में नहीं है, आप मन में इसको स्मरण करते हैं ऐसा नहीं है, ये आपको साक्षात दिखाई देते हैं। धरती पर साक्षात दर्शन देने वाले देव सूर्य देव होते हैं, और यदि उनका विधि विधान से पूजन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रविवार को सूर्य देवता का दिन ही माना जाता है, उन्हीं को समर्पित होता है, और इस दिन सूर्य देव को अर्घ देकर दीप प्रज्वलित किया जाए तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत ही अच्छा फलदायी होता है। दोस्तों, आप तांबे का कलश लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें, थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा चंदन, और साथ में यदि आपके यहाँ लाल मिर्ची, जो सूखी मिर्ची होती है, वह है तो उसके दाने, और उसके दाने आपको कैसे समर्पित करना है, कलश में डालकर गिनती से, जैसे कोई विशेष मनोकामना है, किसी, यदि आपके बच्चों में से किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, या पढ़ाई में कोई करियर संबंधी प्रॉब्लम है, आप यह कार्य करके देखना, यह बहुत ही अचूक उपाय है। जैसे आपने पहले दिन, आपको करना रविवार से शुरू है, पहले दिन आपने एक मिर्ची का दाना, लाल मिर्ची का जो दाना होता है वह डाला, बीजा, और सूर्यनारायण को समर्पित किया। सारी सामग्री डाल सकते हैं आप, उसके साथ साथ गुड़, रोली, चंदन, ये सब भी डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। जो मिर्ची का दाना आप डालकर करते हैं तो उसे 11 दिन 1, 2, 3 ऐसे करके लगातार बढ़ाते हुए पहले 11 कर तक कर लेना है, उसके बाद आपको वापस उल्टे क्रम में आना है, 11 के बाद 10, 9, 8, 7, और जब 1 हो जाता है उसके बाद आप ये फिर से शुरू कर सकते हैं। अति शीघ्र एक बार उपाय करेंगे नहीं, और उपाय पूरा हो भी नहीं पाएगा, वो दिन पूरे हो भी नहीं पाएंगे, और आपका जो भी मनोरथ है, जो भी आपकी मनोकामना है, पूर्ण हो जाती है। सबसे पहले तो सूर्यदेव को, जो उगते सूर्य को अर्घ देता है, और रविवार को यदि आप प्रतिदिन नहीं दे पाते हैं, और सिर्फ रविवार को भी यदि अर्घ दे देते हैं, आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है, आप कोई से भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह सकते, सफलता मिलती है, बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं सूर्यनारायण का। आप जब सूर्यनारायण को जल समर्पित करें तो आपको मन में आता है कि आप क्या बोलते हुए, कई लोग बोलते हैं कि हम क्या मंत्र बोले, कौन सा मंत्र बोले, सबसे सरल मंत्र है ओम सूर्याय नमः। यदि आप गायत्री मंत्र बोलते हुए जल समर्पित करते हैं, इसका एक विशेष फल प्राप्त होता है, और गायत्री मंत्र बिल्कुल कठिन नहीं है। ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है, और अधिक से अधिक लोगों को ये मंत्र कंठस्थ होगा। आप यह बोलें, इसका जाप करें और जल समर्पित करें, देखना कैसी भी इच्छाएं हैं, कैसी भी आपके मनोरथ हैं, बहुत ही शीघ्र पूरे होंगे। इसके साथ साथ आप रविवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां, थोड़ा सा आटा जैसे उसनते हैं, यदि एक कागज पर राम राम लिखकर, और उसे कागज को छोटी छोटी कतरने बना लें, और थोड़ा सा आटा उस कागज को डालकर आप लगा लें जैसे उसनते हैं, जैसे रोटियों के लिए बनाते हैं, उसके बाद छोटी छोटी आप गिनती से बनाना चाहते हैं तो 108 गोलियां बना लें, नहीं तो आप ज़्यादा कम कुछ भी कर सकते हैं, और उन गोलियों को आप जहाँ मछलियाँ दिखाई दे, कोई जल स्रोत है, कोई नदी है, तालाब है, कोई पोखर है, वहाँ मछलियाँ दिखती हैं, वहाँ इस आटे को आप गोलियों को डालते हैं, आटे की गोलियों को डालते हैं, आप पर कैसी भी विपदाएं आ रही हैं, कैसी भी समस्याएं आ रही हैं, ये सारी टल जाती हैं। कहते हैं बल्कि मौत जैसी आकस्मिक दुर्घटना भी आपके साथ होने वाली है, वह भी टल जाती है, और जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। यदि आपको लगता है कि आप पर कोई बहुत बड़ी घात होने वाली है, या आपके कोई परिवार के सदस्य, आपके बच्चे पर, आपके पति देव पर कोई बहुत बड़ी घात है, और आप यह कार्य करते हैं तो वह घात तक टल जाती है।
और इससे माँ लक्ष्मी तो आपके घर में प्रवेश करती ही करती हैं। इसके साथ आप रविवार के दिन प्रयत्न करें कि चंदन का तिलक, आपके परिवार का हर मेंबर चंदन का तिलक लगाएं। यदि कोई नहीं लगाता है, किसी की इच्छा नहीं है, तो आप स्वयं अवश्य लगाएं, क्योंकि चंदन का तिलक जो व्यक्ति रविवार के दिन लगाता है उस पर माँ लक्ष्मी पूरी तरीके से मेहरबान होती हैं। और आप यदि महिला हैं तो थोड़ा सा नाभि में भी आपको चंदन लगाना चाहिए। चंदन का जैसे तिलक आप मस्तक पर लगाते हैं, वैसे ही आप नाभि पर भी चंदन का तिलक करें, नाभि पर भी चंदन लगाएं, इससे भी आपको बहुत ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो रविवार के दिन दान करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। आप कोई विशेष इच्छा से, कोई विशेष मनोरथ से कार्य कर रहे हैं तो आपका वह मनोरथ भी पूरा होता है, क्योंकि रविवार का दिन विशेष करके सूर्यनारायण को समर्पित होता है। लाल रंग की वस्तुएं इस दिन बहुत ही महत्व रखती है। आप किसी जरूरतमंद को गुड़, मसूर की दाल या लाल रंग का कपड़ा, यदि ये कोई भी सामग्री आप किसी जरूरतमंद को देते हैं तो इससे सभी देवी देवता, पूरे 33 कोटि देवी देवता आप पर प्रसन्न होते हैं और सूर्यनारायण भी अति प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोरथ पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। इन दानों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। गुड़ के दान का तो वैसा देखा जाए तो मंगलवार को, रविवार को गुड़ का दान विशेष महत्व रखता है। यदि नहीं दे पाते हैं कोई दान लेने के लिए, आजकल थोड़ा सा समय में बदलाव आया है और दान ना कोई लेना मंजूर करता है, ना हम पूछ पाते हैं किसी से। यदि आप दान नहीं दे पा रहे हैं तो रोटी, एक रोटी सुबह गाय की आप निकालते ही होंगे, उस पर थोड़ा सा गुड़ रखकर गाय को खिला दीजिए, ये भी बहुत श्रेष्ठ होता है। आप दान नहीं कर पा रहे हैं और यदि ये कार्य कर देते हैं तो अवश्य आपको वही फल प्राप्त होता है जो दान करने से होगा। कर कर देखें। ये सारे कार्यों के लिए सबसे ज़रूरी है विश्वास। विश्वास बनाए रखें, विश्वास के साथ कोई भी उपाय करते हैं, विश्वास के साथ करें, आपके सभी मनोरथ अवश्य पूरे होंगे। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।